ओहो क्या ही बात है, जबरदस्त। Assalamualaikum my YouTube family, welcome to Masara Kitchen. मैं हूँ मारिया सैयद। आज मसारा किचन में बनने वाला है बहुत ही मजेदार सा टेस्टी सा चाय का सामान। चाय का सामान क्या होता है? शाम की चाय पिए, मजेदार से गरम गरम समोसे आ जाए, क्या ही बात है, घर के बने हुए आ जाए, शानदार है, और वो भी बिल्कुल मार्केट जैसे क्रिस्पी आ जाए तो सोने पर सुहागा है। आज हम वही बनाने वाले हैं मसारा किचन में चिकन चीज समोसे। तो चले फिर टाइम जाया कि ना जल्दी जल्दी से बनाते हैं मजेदार से चिकन चीज समोसे। अभी यहाँ पे मैं करूँगी समोसों की फिलिंग रेडी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे फ्राई पैन रख दिया है और इसमें 1 टेबल स्पून बस कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी, क्योंकि समोसों की जो स्टफिंग होती है ना, मुझे वो ऑयली बिल्कुल नहीं पसंद होती है। तो चलिए जी ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। 1 बड़ी प्याज, इसको मैंने चॉप्ड कट बिल्कुल बारीक कर लिया था, इसको जो है इसमें ऐड कर देती हूँ और सिर्फ प्याज को सौते होने तक यहाँ पर इसको मैं कुक करूँगी। प्याज यहाँ पे सौते हो चुकी है, मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 2 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको यहाँ पे मिक्स करके करूँगी थोड़ा सा यहाँ पे कुक। अब इसमें 1 पाव डालूँगी चिकन कीमा, मतलब कि 1 पाव चिकन कीमा 1 प्याली होता है, इसको मैं ऐड करके कीमे को यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स करूँगी। फ्लेम को जो है आपने रखना है बिल्कुल स्लो मीडियम पे और अब इसमें जाएगी 1/2 टी स्पून थाइम नहीं ओरिगानो डाल दें। इसमें जाएगा 1 टी स्पून सफ़ेद जीरे का पाउडर। अब मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे 1 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और अब इसमें ऐड होगा 1/2 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। नमक हसबे ज़रूरत, मैं यहाँ पे 1/2 टी स्पून ऐड कर रही हूँ क्योंकि जो समोसा शीट होती है ना उसमें बहुत सॉल्ट होता है। 1 टी स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोया सॉस। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद अभी यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी और इसको थोड़ा कुक करूँगी। स्पैचुला देखें मैं किस तरह मूव कर रही हूँ ताकि कीमा जो है अलग अलग हो जाए। अब इस स्टेज पे मुझे लग रहा है मिर्ची थोड़ी कम है तो मैं इसमें 1/2 टी स्पून ऐड करने लगी हूँ लाल मिर्चों का पाउडर और इन तमाम चीज़ों को जो है मिक्स करके स्लो मीडियम फ्लेम पर मैं इसको कुक करूँगी ताकि चिकन कीमा अच्छी तरीके से कुक हो जाए और यहाँ पर कीमा भी अलग अलग हो जाए। बहुत आराम से देखें आप किस तरीके से मैं स्पैचुला मूव कर रही हूँ, कीमा कुक हो जाएगा इसी तरीके से। चिकन की फिलिंग रेडी हो चुकी है, ये देखें जैसी फिलिंग मुझे समोसों के लिए चाहिए थी ना बिल्कुल वैसी है, कहीं पे कोई वैली नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल खुश्क फिलिंग है। समोसे में मैं जब भी कोई फिलिंग ऐड बनाती हूँ ना तो मुझे ऑयली नहीं पसंद है, क्योंकि समोसे तो ऑलरेडी हम डीप फ्राई करते ही हैं, अगर अंदर से भी कुछ ऑयली ऑयली आएगा तो खाने का वो मज़ा नहीं आएगा। तो इसको जो निकाल लेते हैं, मार्केट में आसानी के साथ मिल जाते हैं समोसों की दुकान पे, मुझे तो ये समोसों की दुकान में आसानी से मिल गई, उनसे बोल दें वो दे। अब हम बनाएंगे यहाँ पे मज़ेदार से अपने समोसे। चाय शीट ले ली समोसों की, यहाँ पे एक अच्छा सा परफेक्ट सा मैदे का घोल मैंने बना के रख लिया है, थोड़ा सा मैदा लिया, थोड़ा सा पानी लिया, बस सिंपल सा एक अच्छा सा घोल बना लिया, शीट ले ली। अब यहाँ पे कुछ ट्रिक्स होती हैं समोसा पैक करने की, सिंपल। ये देखें एक कोने को उठा के मैंने इसको बिल्कुल यहाँ पे ट्रायंगल बना लिया, सिंपल। अब मैंने इसको इस कोने से देखें इस तरीके से टर्न कर लिया, कोना यहाँ पे नहीं छोड़ा है मैंने, कोना देखें मैंने यहाँ से पकड़ा हुआ है। ये देखें आ गई मेरे पास परफेक्ट सी समोसे की कोन। अब मैं इसमें फिलअप करूँगी जो मैंने यहाँ पर फिलिंग बना के रखी हुई है, 1 चम्मच ये, थोड़ी सी इसमें ऐड करूँगी मोज़रेला चीज़। चीज़ समोसे हैं, मोज़रेला चीज़ से बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है, अगर आप चाहें तो चैडर भी डालने वजह से हम चीज़ समोसे में मोज़रेला ऐड होता है। घोल लिया, हर तरफ घोल लगा दिया इसके, जो मैदे का यहाँ पे मैंने एक अच्छा सा स्मूथी सा पेस्ट रेडी करके रखा हुआ, सिंपल हो गया। अब इसको मैंने इधर लिया, देखें कितना अच्छा सा हमारा कोन बन गया। मैदा लगा दें दोबारा से और इसको सिंपल इस तरीके से पैक कर दें, बन गया ना हमारा परफेक्ट सा बिल्कुल मार्केट जैसा इजी सा समोसा शेप आ गई। इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगी। यहाँ पे देखें अच्छी तरीके से बन चुके हैं, अब टाइम आया है इसको फ्राई करने का। कुकिंग ऑयल मैंने यहाँ गरम कर लिया है, पैन में डीप फ्राई मैं करूँगी यहाँ समोसों को। तो चले फिर करते हैं फ्राई को। ऑयल ना
समोसे फ्राई करते हैं, बस इस बात का ख्याल रखना है ऑयल ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ही ठंडा होना चाहिए, और फ्लेम आपने रखनी होती है मीडियम में, तब हमारे समोसे बहुत ही अच्छे बिल्कुल मार्केट जैसे कुरकुरे से फ्राई होंगे। अगर गर्म तेल हुआ तो समोसों में वो जो इतनी छाले टाइप के बन जाते हैं फिर वो हो जाता है। ये देखें यहाँ पे कितने ज़बरदस्त किस्म के हमारे समोसे जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, चिकन चीज़ समोसे। इसको निकालते हैं इसी तरीके से, यहाँ पे सारे जो हैं वो छट छट करके करते हैं फ्राई। देखने कितने क्रिस्पी और क्रंची हैं। तो चलिए जी अब हम यहाँ पे अपनी चीज़ चेक करते हैं। ओहो क्या ही बात है, जबरदस्त। चले जी मजेदार से कुरकुरे से चिकन चीज समोसे तैयार हो चुके हैं, खा के दिखाती हूँ। बहुत मजेदार टेस्टी बने। इसके साथ ही रेसिपी पसंद आए लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।